बिहार के गया स्थित ओटीए के एक ऑफिसर का शव सासाराम के रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है। वो पिछले 24 घंटे से गायब थे। घटना को लेकर हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि गया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी है। वहीं मृतक की पहचान ओटीए के ऑफिसर कैप्टन जगतार सिंह के रूप में हुई है, जो हरियाणा के रहने वाले थे और बीते शुक्रवार गया शहर के कुतवाली थाना अंतर्गत नई गोदाम राज कॉलोनी को आए थे। वो अपनी कार से यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच उनका शव पड़ोसी जिले सासाराम के रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ। ओटी ऑफिसर जगतार सिंह सासाराम कैसे पहुंचे और यह घटना कैसे हुई, पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस गंभीरता से जुट गई है। अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। वहीं ओटीए के अधिकारी ने कोतवाली पुलिस से मिलकर कार पार्क करने वाली जगह पर मुआयना किया। वहीं इस मामले में एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि उनके गायब होने की सूचना और उनकी गाड़ी को पार्क किए जाने की सूचना ओटीए कमांडेंट के द्वारा दी गई थी, जिसके आधे घंटे के बाद ही सूचना मिली कि उनकी बॉडी सासाराम के रेलवे ट्रैक पर मिली है। फिलहाल जांच चल रहा है। उनके परिजन भी गया है, लेकिन उनके परिजन के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी आवेदन नहीं दी गई है। जितनी जानकारी हो ये है कि बृहस्पतिवार की रात को वो घर से भोजन करने के पश्चात अपने वाहन से निकले थे। उसकी सूचना हम लोगों को अगले दिन शाम को 6 बजे के आसपास दी गई थी। नगर पुलिस अधीक्षक को कमांडिंग कोर्टी ने फोन करके बताया था। हम लोग उसी समय सक्रिय, लेकिन आधे घंटे के अंदर ये सूचना मिल गई, उनका मृत शरीर जो है वो सासाराम में रेलवे ट्रैक पर मिला है। उसके बाद सासाराम रेल पुलिस ने उस संबंध में अपने यहाँ प्राथमिकी अंकित की और उस विषय पे आगे वो कार्रवाई कर रहा है। कुछ वजह सामने आई है सर? नहीं, क्योंकि अभी तक परिवार के किसी आदमी ने हम लोगों को कोई इस तरह का बयान नहीं दिया, इसलिए इस विषय पे अभी कुछ कह पाना संभव नहीं होगा हमारे। ठीक है।